हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जिन भी पर्सन के बारे में सोच के आप देख रहे हैं उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है मेरे पर्सनल रीडिंग के नंबर है। जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, पेमेंट करके बुक करना होता है, यानी पैसा देके बुक करना होता है। तो जिनको भी चाहिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन, आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जैसे आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो या फिर देखते हैं, वैसे ही आपको अपनी व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाता है और रीडिंग बिल्कुल सिक्योर रहते हैं आपके और मेरे बीच में, क्योंकि आपकी डिटेल्स किसी और को जान के क्या फ़ायदा, क्योंकि रीडिंग आपकी नेम के हिसाब से होते हैं और बिल्कुल आप और मेरे बीच में रहते हैं। सो चलिए देख लेते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है आपके लव्ड वन की। क्वेश्चन को गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की एनर्जी कैसा है आज के दिन में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। प्लीज़ इनशो गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है आज के दिन में। प्लीज़ इनशो गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में, क्या हो रहा है। क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, प्लीज इनशो गाइड करें क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की। और एक कार्ड आना चाह रहे हैं, वो है हैंग्ड मैन। बॉटम से ये सारे कार्ड्स रिलीज। ओके, अभी अभी डेविल की एनर्जी आया था ना, वहाँ से ईगो मैंने रख दी, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी एक साथ। सो यहाँ पर जो मेजर साइन आए हैं वो है पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, मेजर साइन है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, हाँ तो ये सारे साइन हैं। और एक मेजर साइन आया है जो कि है कैंसर, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। सो ये मेजर साइन है। सो आज के दिन की आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात करें, आपके पर्सन दिल से सोच रहे हैं। ओके, और दिल से सोच के कोई क्विक डिसीजन वो ले रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग को रीच आउट किया है, कुछ लोग के पर्सन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्विक और सडन एनर्जी है। और आपके पर्सन खुद की करियर के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी रिलेटेड किसी सिचुएशन में कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। अगर इतना टाइम आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपका ऑफर रिजेक्ट कर रहे थे, तो वो सामने से आपको अप्रोच कर सकते हैं, सामने से वो आपको जेस्चर कर सकते हैं, प्यार का कब ऑफर कर सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम से वो रिजेक्ट कर रहे थे या फिर आपकी ऑफर को
एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किसी ना किसी सिचुएशन के चलते। सो वो खुद वापस आने की एनर्जी में है, खुद वो एक्शन ले रहे हैं, और जिन भी सिचुएशन में हैंग्ड है उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे या फिर उस सिचुएशन को एंड कर रहे। यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी, आपके पर्सन को नॉलेज विस्डम इस टाइम पे रिसीव हो रहा है, सच्चाई रिसीव हो रही किसी चीज़ की, ठीक है। तो जिन भी सिचुएशन में वो हैंग थे वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं या फिर उस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिलीज करें, क्योंकि यहाँ पर रिलीज की एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे आपके पर्सन, कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और इमैच्योर एनर्जी में हो सकते हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। जो क्लैरिफाई करे सारे कार्ड्स को, क्यों आया है, इनका डीपर लेवल पे क्या मीनिंग है और क्या कुछ बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, क्या जानने की जरूरत है आज के दिन में। पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, प्रेजेंसो गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, प्रेजेंसो गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी बैलेंस, फादर ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। वो लव लाइफ को लेकर भी हो सकते हैं, करियर को लेकर भी हो सकते हैं, कि उनको स्टेबल होना है, इधर उधर इस सिचुएशन में उस सिचुएशन में जगल नहीं करनी है। और आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है, ठीक है, और दिल से सोच कर डिसीजन ले रहे हैं, यानी जो भी होगा वो प्यार से जुड़ी हुई चीज़ें होगा, ठीक है, इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें होगा। नाइट ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आए हैं, प्रेजेंसो गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्स कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स को फादर ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किए हैं। रूट कम्युनिकेशन किसी के साथ हो रहा है, स्पेशली शादी को लेकर, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है, या तो शादी को लेकर रूट कम्युनिकेशन है या फिर उनके सोसाइटी में, घर के आसपास या फिर जहाँ पर रहते हैं नेबर्स के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड के साथ लवर कार्ड, तो बहुत क्विकली आपको रीच आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, या तो कुछ लोगों का बातचीत हुआ है या फिर कुछ लोगों का बातचीत होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आपके पर्सन बहुत क्विकली यहाँ पर रीच आउट करने वाले हैं। और ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, ऑनलाइन पर मैसेजेस दे सकते हैं। एम्परर विद द टेम्परेंस कार्ड, सो स्पिरिचुअलिटी की तरह आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं और खुद की दिमाग से सोचकर भी यहाँ पर डिसीजन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ठान लिए है कुछ चीज़ों को, ठीक है, जिद में आ चुके हैं। अगर वो दिल से सोच के भी डिसीजन ले रहे हैं तब भी वो जिद में है कि मुझे ये करना है। सो यहाँ पर दिल दिमाग दोनों की एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, जिद्दीनेस वाली एनर्जी है। टेम्परेंस क्यों आया है, काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन रिकॉन्सिलेशन मुझे नज़र आ रहा है। सन ऑफ कप्स, सो जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आया है, वैसे वहाँ पर सन ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों को जेस्चर रिसीव होगा, ठीक है। लवर्स के साथ टेम्परेंस कार्ड है, सो डेफिनेटली पीसफुल रिजोल्यूशन, बैलेंस। और यहाँ पर इस कार्ड में देखिए कितना कलरफुल वाइब्रेशन है, हालांकि ये डेक ब्लैक एंड वाइट का है, फिर भी ये जो कार्ड आप देख पा रहे हैं कितना वाइब्रेंट कलर है। सो आपके लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड क्यों आया है, प्रेजेंसो गाइड करें। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड प्रेजेंसो गाइड करें। करियर में फोकस्ड है और टेन ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, हैप्पी फैमिली और अबंडेंस वो चाहते हैं, उसके लिए वो प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बोझ है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो दबे हुए हैं, फैमिली या फिर किसी ना किसी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पर्सन भाग रहे हैं, उठाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरन उनको उठाना पड़ेगा, इस टाइप की एनर्जी है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंस में फोकस करना पड़ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड क्यों आया है, पेशेंस को गाइड करें।
एस ऑफ पेंटिकल कार्ड, प्लीज इनसे गाइड करें एस ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, आपके पर्सन जो भी चॉइसेस में जगल कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वहाँ से बाहर आके एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी है, लेकिन इस चीज़ को वो हाइड करके रखा है, इसीलिए कार्ड नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत सफल करने के बाद आया है, इस चीज़ को वो हाइड कर रहे हैं कि जो भी अलग चॉइसेस या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस है। यहाँ पर आपके पर्सन खुद के इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और जिनको वो प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, उनकी तरफ इंडिपेंडेंट होके डिसीजन ले रहे, खुद की मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। और कितना डेडिकेटेड देखिए, कितना फोकस्ड देखिए, और सेम एनर्जी है ये दो कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। स्पाई क्यों करते हैं, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, क्यों स्पाई करते हैं, फाइव ऑफ वैंड्स। वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस है, उनके अलावा भी ऑप्शन है, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं कि आपको पाने के लिए लड़ भी सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। और फादर ऑफ वैंड्स, वो खुद काफ़ी पैशनेट या फिर रोमांटिक है, आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई बार उनकी रातों की नींद भी उड़ जाते हैं। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको बहुत मिस करते हैं, पैशनेट एनर्जी है। साथ ही साथ अगर सच में आपके लाइफ में ऑप्शन है और आपके पर्सन को दिखता है, जैसे कि अभी जो है सोशल मीडिया पे हमारे जो है फ्रेंड्स बहुत होते हैं, वैसे ही अगर आपका फ्रेंड्स है या फिर चाहने वाले बहुत है और आपके पर्सन को दिखता है, तो वो जेलस फील करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है यहाँ पर, नाइन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन को, ठीक है, खोने का डर। इस खोने की डर की वजह से वो आपको जेस्चर करेंगे, स्पेशली जो लोग अपनी लाइफ में खुश हो, ठीक है, अपनी लाइफ में खुश हो, मस्त हो, बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फोटोस अपलोड कर रहे हो, ठीक है, अंदर से आप कैसे हो नहीं पता, लेकिन बाहर से अगर आप दिखा रहे हो कि आप खुश हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उनके बिना आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, तो आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है। तो जिस चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आपको गाइड करती हूँ कि सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, खुद को आप पहले प्यार कीजिए, ग्रो कीजिए, तो सेम एनर्जी मदर ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके पर्सन की जो इमोशन है वो खुद रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके लिए इमोशन है उनके दिल में कहीं ना कहीं। डेविल की एनर्जी विद द एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्स, किसी कंट्रोलिंग फीमेल से आपके पर्सन दूर जाना चाह रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर चले गए थे, तो वो वापस आ रहे हैं, सन के कार्ड है, और जिन भी सिचुएशन में वो हैंग्ड है, हैंग्ड मैन की एनर्जी फिर से आए हैं यहाँ से भी, उस हैंग्ड सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए वो बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, वो खुद एक्शन लेंगे। चैरियट कार्ड क्यों आया है, देखिए आपका सिचुएशन कैसा है डजंट मैटर, अगर आप अपनी पर्सन को सोच कर देख रहे हैं, तो मैं जिन भी लवर्स के बात कर रही हूँ, तो आप अपनी पर्सन को उस जगह पर रख के देखना है आपको, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, कोई हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहा है, कोई लवर्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कोई क्रास के लिए देख रहे हैं, तो सबका अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन जब भी मैं लवर्स के बात कर रही हूँ, पार्टनर के बात कर रही हूँ, तब भी आपको पार्टनर को ही सोचना है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, क्रास हो, ठीक है, आपको उस जगह पे ही सोचनी है। एस ऑफ सोर्स, सोन ऑफ पेंटिकल के साथ एस ऑफ सोर्स, आपके पर्सन सामने से आपको जेस्चर करने वाले हैं, ओके, और आपको क्लैरिटी देंगे किसी चीज़ का, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकते हैं, अंदर से बिल्कुल इमोशनल है, और यहाँ पर थोड़ा इमैच्योर एनर्जी उनके अंदर आपको दिखाई देगा,
बच्चे वाली एनर्जी इस टाइम पे आपको दिखाई देगा। और बातचीत अगर हो रहा है आप दोनों के बीच, तो ये एनर्जी आज के दिन में बहुत ज़्यादा आए हैं। वो थोड़ा इमैच्योर बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको लगेगा कि ये इंसान सच में बच्चे की तरह बिहेव कर रहे, एज में इतना बड़े है या फिर दिखते इतना मैच्योर है, लेकिन इनके अंदर बचपना है। तो प्यार में है, प्यार में ये सारी चीज़ें चलते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के बीच न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है ये सब कासन है, ये सब सोर्स जो कि न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी के कारण या फिर किसी भी कारण अगर लड़ाई झगड़े हुआ था, रिश्ता ख़त्म हो चुका था मिडिल में, तो यहाँ पर वापस आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपकी विशेस फुलफिल होते हुए नजर आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें। 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किए हैं। आपके पर्सन खुद की फैमिली से मूव ऑन करना चाह रहे हैं और प्यार के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। जिनके साथ उनका प्यार है उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल टावर एंड 8 ऑफ कप्स। आप कार्ड्स देख पा रहे कितना ब्लैक एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे, कोई ना कोई टावर मूवमेंट को फेस कर रहा है। फैमिली से रिलेटेड कोई टावर यहाँ पर आ सकता है, फैमिली से दूर जा सकते हैं या फिर फैमिली में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। देखिए 10 ऑफ सोर्स को 10 ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया है फ्रंट ऑफ द डेक से विद द 3 ऑफ पेंटिकल। पैसों के लिए घर में बहुत ज़्यादा बवाल आज के दिन में हुआ है, होगा या फिर इन दिनों हो रहा है, ये एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, ओके विद द टावर एंड 8 ऑफ कप्स। इमोशनली आपके पर्सन टूट चुके हैं और घर से दूर जा रहे, इस टाइप की एनर्जी है बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए। और फैमिली में ही या फिर अपनों के साथ, मम्मी पापा के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ ही लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। एनर्जी है। हैंग्ड मैन क्यों आया है, पर्सन को गाइड करें यहाँ पर। हैंग्ड मैन क्यों आए हैं यहाँ पर। 7 ऑफ वैम्स बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड हैं, जैसे कि मैंने कहा वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आना चाहते हैं और एक बोल्ड डिसीजन, एक बोल्ड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंस, काफ़ी टाइम से एसेस की एनर्जी आ रहा है, 1-1 की एनर्जी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। जैसे कि आज 27 सितंबर है, 27 यानी 9, 2+7 यानी 9, और सितंबर मंथ 9 चल रहा है। 9-9 पोर्टल की जो वाइब्स है आज के दिन में भी आपको फील हो सकता है। और कार्मिक को टिगर्स मिल सकते हैं या फिर जिनके साथ कर्मा रिलीज होनी है, साइकिल एंडिंग होना है, वहाँ से टिगर मिल सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि उनको टिगर मिला है। टावर का कार्ड ऑलरेडी आए हुए है फैमिली की तरफ से। डेफिनेटली आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, खुद के लिए, खुद के रिश्तों के लिए यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं और अपनी हैप्पीनेस को वो चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे भी करके उनको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जिनके लिए भी उन्होंने इतना टाइम सेक्रीफाइस किया है, प्यार को छोड़ा है, खुद घुट घुट कर जिए हैं, वो लोग उनकी वर्थ को पहचानते नहीं है, उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनको प्यार नहीं किया, ठीक है, उनका केयर नहीं किया, तो उनको रियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए वो इन सारे सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं और खुद की हैप्पीनेस को, खुद की विशेस को वो चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी विशेस फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं लव लाइफ को लेकर, यस। और कुछ लोगों का डेट फिक्स्ड हो सकता है, कुछ लोग डेटिंग पे जा सकते हैं, आपके पर्सन जो है आपको मिलने बुला सकते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जितना भी एसेस होते हैं डेक में, सारे ही एसेस आ चुके हैं। 4 एसेस हैं, सोर्स, काप्स एंड पेंटिकल एंड बैंस, सारे ही एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। मेजर एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है। मेजर एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग, राइट। गाइस, ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से रिलीज का कार्ड है, यानी डेथ कार्ड है। क्या रिलीज हो रहा है, जैसे कि मैंने कह दिया आपको कि मेजर एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग के चारों कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर बॉटम से। रिलीज, रिलीज क्या चीज़ रिलीज हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ क्या चीज़ रिलीज हो रहे हैं।
कोई पुराने रिश्ते, मदर ऑफ पेंटिकल, कोई फीमेल ऐसा है या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो कि बिल्कुल ही मनी माइंडेड है, पैसों के अलावा वो किसी को पहचानते नहीं है, और आपके पर्सन को पता है नंबर 8 वो उनकी कर्मा है, कर्मा की वजह से हो रहे हैं, उनके साथ रहते हुए भी आइसोलेशन में है आपके पर्सन, और फिर से फुल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, सो इनके साथ रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। रिलीज की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, आप देख पा रहे हैं, सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। फादर ऑफ कप्स प्यार के कप को लेकर आ रहे हैं, यानी जिनको वो प्यार करते हैं उनके तरफ ही वो आगे बढ़ रहे हैं चैरियट के साथ, और अपनी पावर में है, स्ट्रेंथ में है। यहाँ पर देखिए लायन जो है एक रोज लिए हुए हैं, ठीक है, सो देखिए एक लायन भी प्यार प्यार कर सकते हैं, वो बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग और गुस्से वाले क्यों ना दिखाते हो, उनके अंदर कितना भी अग्रेशन क्यों ना हो, लेकिन अंदर से हर किसी के अंदर प्यार होते हैं, सॉफ्टनेस होता है, वही इमेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है। सो आपके पर्सन हो सकते हैं कि बाहर से बहुत ज़्यादा रूट है, जिद्दीनेस है, ईगो है, गुस्से वाली एनर्जी है, ठीक है, मर मिटने वाली एनर्जी है, लेकिन अंदर से उनके अंदर भी दिल है और प्यार है, इसीलिए वो रोज़ लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। सो ये एनर्जी है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ हो सकते हैं। आपको ये चीज़ें ज़्यादातर जो है 24 आवर्स के अंदर दिखेगा, क्योंकि एसेस की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, सो 24 घंटे के अंदर दिख सकता है, अदरवाइज 1 वीक के अंदर, ठीक है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल इसी तरीके से क्लैरिफाई किया जाता है, और आपको वीडियो भेजा जाता है इसी तरीके से आपकी नेम के हिसाब से, तो आप अपनी मोबाइल पे घर बैठ के देख सकते हैं अपनी एनर्जी, ओके, और कितना टाइम भी आप रख सकते हैं अपनी मोबाइल पे, जैसे फोटो रहता है वैसे ही वीडियो आप रख सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से क्लैरिफाई किया जाता है, सो जिनको भी चाहिए आप लोग बुक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन, प्लीज इनसे गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स की तरफ। देखिए पहला ही कार्ड सन कार्ड आया है, समझ पा रहे हैं आप, डेफिनेटली एक्शन होगा, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, डर से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, स्पिरिचुअलिटी के तरफ से उनको स्ट्रेंथ मिल रहा है। थर्ड पार्टी मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, खुद की मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, सेम कार्ड काल भी आया था, कर्मा उनको टिगर कर रहा है, और आपके पर्सन घुट घुट कर जी रहे हैं, मून की एनर्जी है, अंदर की इमोशन को शो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर सन मून की एनर्जी है, सन एंड मून, ठीक है, काफी सारे कपल हस्बैंड वाइफ के बीच रियूनियन होगा, स्पेशली जो लोग डिस्टेंट कनेक्शन में हैं उनका तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है, मून की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, ठीक है, सन मून काउंटर पार्ट को दिखाते हैं, यिन एंड यांग को दिखाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जो लोग डिस्टाइंड है उनका तो रियूनियन हो ही रहा है, अदरवाइज भी यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच या फिर जिनका भी मिलना तय है इस जन्म में, डेफिनेटली उन लोगों का रियूनियन हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन बिल्कुल पावर में है, अभी अभी इस कार्ड को मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो सेम एनर्जी से, और 7 ऑफ वैंड सन कार्ड, बिल्कुल वो स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है, प्लीज इनसे गाइड करें नेक्स्ट एक्शन में एम्प्रेस के साथ क्या होने वाले हैं। तोड़ फोड़ हो रहा है मेरे डेक के अंदर, ये तोड़ फोड़ हो रहे हैं, मूविंग ऑन, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर सेक्रीफाइस की एनर्जी है, सो थर्ड पार्टी से सेक्रीफाइस कर रहे, थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर रहे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, 1+2=3, सो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन कर रहे, और आपके पर्सन बिल्कुल अपनी पावर में है, अथॉरिटी अपने हाथ में लिए हुए हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने पेशेंस रखा है और प्लान के मुताबिक उन्होंने काम किए हैं, और डेफिनेटली इस टाइम पर रिजल्ट मिलेगा, फ्लावर्स दिखाई देंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई देंगे, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी क्लैरिटी दे सकते हैं कि वो उस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, इस टाइप की वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रहा है, ट्रूथ की एनर्जी है, सो काफ़ी टाइम से आप लोग पेशेंस रखा हुआ है, तो डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा, कैसा सक्सेस, ट्रांसफर सक्सेस की एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव,
अगर आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और किसी पुराने रिश्ते में अगर अटके हुए थे किसी के पर्सन तो भी यहाँ पर रिलीज होने की एनर्जी है। 144 की वाइब्रेशन है। अगर आपको 144 बहुत ज़्यादा दिख रहा है या फिर 1144 अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर 1444 दिख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है, शादी से रिलेटेड बातचीत हो सकते हैं, शादी होने की भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको 444 दिख रहा है तो आप नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप 444 दिख रहे हो तो 444 का मीनिंग यही होता है कि एंजल आपके साथ है, लेकिन एंजल आपको गाइड करे कि आप नेगेटिव मत हो, नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। और अगर आपको 111 दिख रहा है या फिर 4x1 दिख रहा है तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों आया है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, और जो भी वेटिंग सिचुएशन है वो ओवर हो रहा है। टावर कार्ड, वेटिंग सिचुएशन खत्म हो रहे हैं और बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाले हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस। सो यही एनर्जी है। शैडो क्यों आया है? शैडो आपके पर्सन को टिगर मिल सकता है आने वाले समय में भी थर्ड पार्टी से, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके चीज़ों को, रिलीज कर सके, ठीक है। आपके पर्सन की अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो वो आपको या फिर किसी को बताते नहीं होंगे खुद की दुख दर्द या फिर बहुत सारे चीज़ों को अपने सीने में दबा के रखा है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। 5-5 काफ़ी टाइम से 5-5 भी आ रहा है यहाँ पर। सो नॉलेज तो इस टाइम पे आपके पर्सन को डेफिनेटली रिसीव हो रहा है। अवेयरनेस यानी उनका विजन क्लियर हो रहा है, कौन उनके लिए सही है, गलत है, किसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डेस्टिनी में क्या है, प्लीज एंजल गाइड करें। डेस्टिनी में क्या है? कार्मा को दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिन भी कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, वहाँ से बाहर आएंगे, फिर से विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े होने की चांसेस है, राइट। सो और क्लैरिफाई हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी बेटर क्लैरिटी हमें मिल चुका है, तो एक ही चीज़ को कितनी बार मैं बोलूँ, है ना। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि इस टाइम पर आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है। प्रेसेंशियल गाइड करें इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। री इवेल्यूएट, आप सोचिए आप अपने लाइफ में आप क्या गलती कर रहे हैं या फिर क्यों आप अपसेट हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि स्काई में इतना सारा स्टार है, लेकिन लोग मैनिफेस्ट तभी करते हैं जब कोई स्टार गिरते हैं या फिर उनका कोई छिलका गिरते हैं, लेकिन हमेशा इतना सारा स्टार है कोई भी स्टार को देखते हुए मैनिफेस्ट नहीं करता है। वैसे ही आपके लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन आप उनमें फोकस नहीं कर रहे हो। जो चीज़ आपके लाइफ से चला गया है या फिर टूट रहे है उसको या फॉलो कर रहे हो और दर्द में हो उसको देखते हुए, तो इसीलिए एंजल बोल रहे हैं आपके लाइफ में भी बहुत कुछ है, आप देखिए समझ पाएंगे। रिप्लेनिश, द सन विल राइज एंड विल ट्राई अगेन। तो देखिए सन जो है हर रोज राइज होते हैं, उगते हैं, फिर चले जाते हैं, तो हमारे लाइफ में भी ठीक है हर रोज अप्स एंड डाउन्स, या फिर लाइफ में कभी अप्स आते हैं कभी डाउन्स आते हैं, कभी हम खुश होते हैं कभी दुख में चले जाते हैं, तो ये नेचुरल चीज़ है। जैसे सन हर रोज मॉर्निंग में आते हैं फिर जो इवनिंग में चले जाते हैं, तो ये एक साइकिल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सीजन की तरह है, तो अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा। लाइट, विदाउट द डार्क वी वुड नेवर सी द स्टार। तो डेफिनेटली अगर डार्कनेस नहीं होता, नाइट नहीं होते तो हम स्टार को नहीं देख पाते। सेम तरीके से अगर आपके लाइफ में दुख दर्द नहीं आएगा तो आप खुद रियलाइज नहीं कर पाओगे, चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, या फिर कौन से लोग अच्छे आपके लिए अच्छा है कौन से लोग आपके लिए बुरे हैं, ठीक है उनको आप पहचान नहीं पाएंगे, या फिर ये चीज़ें क्यों होना ज़रूरी था ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए ज़रूरी है डार्कनेस आना लाइफ में, ठीक है।
अनलेस होल्ड नथिंग बैक एक्सपेंड इन द यूनिवर्स, कुछ भी आपके पास रहेगा नहीं, जितना पकड़ने की कोशिश करो तब तक रहेगा जब तक आपका शरीर में जान है, या फिर वो भी नहीं रहता है। लाइफ में कुछ टाइम इतना बुरा आते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चले जाते हैं, तो चीज़ों को होल्ड बैक करने की कोशिश ना करो, पकड़ने की कोशिश ना करो। जैसे कि आपके पार्टनर चले गए हैं तो आप उनको पकड़ने की कोशिश करो कि ये मेरे पर्सन है, ठीक है, ये नहीं जा सकता मेरे लाइफ में, मुझे तो पाना है इसको किसी भी हाल में। तो कुछ भी हमारा नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं इस धरती पे, हमें भेजा गया है कुछ टाइम के लिए, हम ड्रामा करने आए हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा ये जो शरीर है, मरने के बाद इसको भी हमको जो है जला दिया जाता है, ये हमारे साथ नहीं चाहते हैं। हमारे घर और जो भी हमारे पास है, फैमिली, भाई बहन, घर, ठीक है, गाड़ी, बंगला, संपत्ति, कुछ भी हो, जेवर, कोई भी साथ नहीं जा सकते। साथ ही साथ ये भी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाता। सिर्फ आत्मा जो है, उनका मृत्यु नहीं होता आत्मा की, और आपकी कर्मा जो आपने किए हैं वो आपके साथ रहता है। तो डेफिनेटली कुछ भी आप लेकर नहीं जाओगे तो उनको होल्ड बैक करके क्या करोगे, है ना। ब्रेक थ्रू फॉर ए स्टार टू बॉर्न इट मस्ट फर्स्ट कोलैप्स, दिस इज नॉट योर डिस्ट्रक्शन, दिस इज योर बर्थ। तो देखिए, जो भी जब भी टावर मोमेंट आते हैं, लोगों को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंडिंग्स है, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, बुरे वक्त में लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक स्टार बनता है टावर मोमेंट से ही, ठीक है। जब एक स्टार बनता है तब टावर मोमेंट से बनते हैं। वन सेकेंड। सो जब भी एक स्टार बनता है वो टावर मोमेंट के बाद ही बनता है। दो प्लैनेट जब आपस में टकराते हैं और वहाँ से एक छिलका निकलता है जो कि स्टार बन जाते हैं, तो वही डिस्ट्रक्शन के बाद, टावर के बाद ही एक स्टार के जैसा खूबसूरत एक चीज़ बनते हैं। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं आएगा, डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, तो कैसे आप जो है अच्छी चीज़ बन पाएंगे, कैसे आप निखरेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। सो यही बोला गया है, यही गाइडेंस है आपके लिए। तो गाइस, ये था आज के दिन की रीडिंग एंड गाइडेंस, होप आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है मेरी रीडिंग। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा है। चैनल नेम है एंजल ड्रीम 111 टैरोट, याद जरूर रखें, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो। और हर रोज़ की इसी टाइप की रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब किए। जो लोग पुराने हैं डेफिनेटली मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स, और लाइक ज़रूर करें, जो भी चीज़ रेजोनेट किया है डेफिनेटली कमेंट करें। सो टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।